हमारा ये बन गया एकदम यम 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 देख, ये दिख रहा है ना वॉर्म्स के जैसा। हाँ दूध भी लेने अला पोटैटो वॉर्म्स बनाने के लिए हमें 3 पोटैटोज ले लेने हैं। हमें इसे छील लेना है। मैं इसे रफली चॉप कर लूंगी। यहाँ पर मैंने इसे छोटी कढ़ाई में डाल दिया है। मैं इसके ऊपर तक पानी डालकर इसे अच्छे से उबलने के लिए रख दूंगी। हमें इसे 15 मिनट तक उबालना है। 15 मिनट बाद मैंने इन पोटैटोस को स्ट्रेनर्स में निकाल लिया है ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। मैंने इसे एक बाउल में डाल दिया है। मैं इसे अच्छे से मैश कर लूंगी। हमें इसे एकदम स्मूथ मैश करना है। यहाँ पर मैंने पोटैटोस को अच्छे से मैश कर लिया है, तो मैं इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लूंगी। ओरिगानो मैंने 1 चम्मच ले लिया है। चिली फ्लेक्स मैंने 1 चम्मच ले लिया है। साथ ही 3 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च को भी ऐड किया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये एक डो की तरह दिख रहा है। मैंने पोटैटो के मिक्सचर में थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया है, जिसके अंदर मैं ब्लैक वाटर को मिक्स करके इसका ब्लैक डो बना लूंगी। यहाँ पर मैंने इसे ग्रे कलर में बनाया है। यहाँ पर मैंने पोटैटो के मिक्सचर में को बड़ी लोई की तरह फैला लिया है। इसे हमें पतली सी एक लेयर की तरह फैलाना है। इसके ऊपर मैंने अच्छी क्वांटिटी में लगभग 2 से 3 चम्मच मोन्जरेला चीज को डाल दिया है। मैं अब पोटैटो के दूसरे लेयर को भी इसके ऊपर रख दूंगी। इसे हमें चारों तरफ से अच्छे से चिपकाना है। मैं इस पोटैटो ब्लैंकेट के दोनों तरफ ब्लैक कलर के पोटैटो रोल्स को लगा दूंगी। आप देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर लंबी लंबी धारियां खींचूंगी। मैं इसे बीच में से कट कर दूंगी। मैं इसे घुमाते हुए इसके लंबे लंबे टुकड़ों को निकाल लूंगी। अब मैं इसके छोटे छोटे वॉर्म्स बनाऊंगी।
आप देख सकते हैं कि ग्रे हिस्सा उसके फेस का काम कर रहा है और लंबी लंबी धारियां उसकी बॉडी की तरह काम कर रही है। इसी तरीके से मैं सारे वॉर्म्स को अपने तैयार कर लूँगी। ये खाने में काफ़ी डिलीशियस होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, बच्चों को खाने में काफ़ी मज़ा आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने छोटे बड़े सब तरीके से सारे वॉर्म्स को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो मैं अब इसे डीप फ्राई करूँगी। पोटैटो पहले से ही बॉयल थे तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए डीप फ्राई करना है और हमारा ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा। ये स्नैक्स मेरे बच्चों का काफ़ी फेवरेट है, उन्हें काफ़ी पसंद आता है, इसलिए मैंने ये रेसिपी आपसे शेयर की है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से मैं नई नई रेसिपी बनाना सीख रही हूँ और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आएगी। और अच्छी रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर बहुत तरीके के स्नैक्स बनाकर रखे हुए हैं, जो कि आप उन्हें जाकर भी देखें ज़रूर। तो कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाबा।